हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान करण ने दिखाया निमृत को सच्चाई का आईना, तो क्यों रो पड़ी प्रियंका चाहर चौधरी? क्या हुआ ऐसा? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर करण जौहर आए और करण ने आके हर किसी के गेम को तार तार करा। यहाँ पर करण ने निमृत को बोला कि निमृत, आप इस बीते हफ्ते बहुत गलत दिखी। एक बात बताइए निमृत, आपने इस बीते हफ्ते में प्रियंका को टास्क के दौरान जिस तरह से टॉर्चर करा, आप लगातार उसके हाथ को हिलाने की कोशिश कर रही थी, आप हर रूल को तोड़ रही थी, आप प्रियंका के ऊपर डिटर्जेंट डाल रही थी, आपने बेगोन का स्प्रे भी मारा, लेकिन आप यहाँ पर प्रियंका बार बार रोकती रही पर रुक नहीं पाई। पर जब आपकी बारी आई टॉर्चर टास्क में और आपको टॉर्चर होना था, प्रियंका आपको टॉर्चर कर रही थी, तो आप उसी प्रियंका से मदद मांग रही थी, प्रियंका प्लीज़ हेल्प, प्रियंका मेरी आंखें धो दो, मेरी आंखों में हल्दी चली गई है। प्रियंका आगे आई और उसने आपकी आंखें भी धोई, क्योंकि आपको पता था कि शालीन या अर्चना दोनों में से कोई भी आपकी आईज को वॉश नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि जब पहली चांस आपकी थी टॉर्चर टास्क की, तो आपको देखकर ऐसा लग रहा था मानो आप प्रियंका से कोई भड़ास निकाल रही हैं अपनी। आपने ये तक बोल दिया कि माई ग्लैम भी जीती, क्या विनर भी अब तुम ही बनोगी, पैसे लेकर जाओगी। क्या प्रियंका ने आपको ऐसा कुछ भी बोला? इनफैक्ट जब आप लोगों के ऊपर बाल्टी लगी तो उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली आपको सॉरी बोला। तो बताइए कौन इस घर में सच्चा हुआ, इस टास्क में अच्छा हुआ, किसने इंसानियत दिखाई, आपने या प्रियंका ने? निमृत की नज़रें झुक गईं और प्रियंका की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि पहली बार प्रियंका की इस तरह से तारीफ हो रही थी। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।